तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है शुभम, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, ग्रैब आईडी एंड मेक निडिज्म। यहाँ क्या होता है, यहाँ कंटेंट बोलता है, कंसेप्ट बोलता है, ठीक है ना। ये आपकी केमिस्ट्री क्लास 10th की पहले लेसन की पहली लेक्चर है, ठीक है ना। मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ पूरी केमिस्ट्री और कुछ पार्ट्स ऑफ मैथ्स। पढ़ाता हूँ मतलब पढ़ाऊंगा, मैथ्स अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, केमिस्ट्री तो पूरी मैं ही पढ़ाऊंगा अनडाउटेडली, कोई शक नहीं है इसमें। फिजिक्स पूरा मेरा भाई सर्वेश पढ़ाएगा आपको, बायोलॉजी पूरी हर्षित भैया पढ़ाएंगे, और मैथ्स के कुछ पार्ट्स में और कुछ पार्ट सर्वेश भैया आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो शुरू कर सकते हैं यहाँ पे हम, लेकिन सिलेबस वो शेड्यूल बता देते हैं पहले आपको यार। शेड्यूल क्या है, 3 दिन मैथ्स है, 3 दिन केमिस्ट्री आएगी 9th की, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे केमिस्ट्री क्लास 10th की, ठीक है ना। हो सकता है कभी कोई वीडियो कुछ देरी से पड़ जाए, लेकिन थोड़ा मैनेज कर लें, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वीडियोस लेट से पड़ सकती हैं। इसका मतलब हमें बेहद अफसोस है, लेकिन क्या कर सकते हैं यार। केमिस्ट्री मैटर इन आर सराउंडिंग का मैंने आपको 3 लेक्चर दे दिया है, ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पहला लेक्चर है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है यार। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टार्ट करने से पहले क्या जानेंगे यार, मतलब और सब बुक्स में जहां तक मैंने देखा है, सभी बुक्स में लगभग सब जगह जहां मैंने देखा है, उन लोगों ने सीधे केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट किया है कि आखिर में केमिकल रिएक्शन क्या होता है। लेकिन यार आप कहाँ हैं, आप हैं ग्रैब आईडी एंड मैग्नेटिज्म पे, यहाँ क्या, यहाँ कंसेप्ट बोलता है, ठीक है ना। तो हम पहले क्या जानेंगे, हम पहले जानेंगे सर केमिकल क्या होता है, व्हाट एक्चुअली इज अ केमिकल। उससे भी पहले क्या जानेंगे यार, उससे ही पहले हम जान सकते थे कि एटम क्या होता है, क्योंकि केमिकल्स अगर किसी चीज से मिलकर बने होंगे तो उनका फंडामेंटल बेस क्या होगा, उनका फंडामेंटल बेस तो एक एटम ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है एटम होगा। तो ठीक है पहले केमिकल बताते हैं, फिर आपको एटम का भी ओवरव्यू दे देंगे कि आखिर में एटम क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले केमिकल जानते हैं, केमिकल क्या होता है। अ केमिकल इज एनी सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ मैटर, मतलब क्या, बहुत सिंपल सा, कोई भी ऐसा एक सब्सटेंस जिसके अंदर मैटर हो वो केमिकल है। कितना इजी सा डेफिनेशन है ना। मैटर क्या होता है यार, मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास एंड मे बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, ठीक है ना। तो केमिकल कोई भी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर मैटर है। अब जान लेते हैं कि किस किस स्टेट में केमिकल्स हो सकते हैं। केमिकल तीनों स्टेट में पाए जा सकते हैं यार, सॉलिड लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट में केमिकल्स पाए जा सकते हैं अनडाउटेडली, ठीक है ना। तो केमिकल्स के एलिमेंटल फॉर्म मतलब प्योर सब्सटेंसेस, एकदम मतलब केमिकल एलिमेंट के फॉर्म में हो सकते हैं और केमिकल मिक्सचर के फॉर्म में भी हो सकते हैं। एलिमेंट के फॉर्म में क्या क्या हो सकते हैं, एलिमेंट के फॉर्म में जिंक हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब प्योर सब्सटेंस है एकदम। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मतलब सिर्फ ऑक्सीजन और उसमें कुछ नहीं हो, एकदम एलिमेंटल स्टेट है। सब्सटेंस मतलब क्या होता है, सब्सटेंस सब्सटेंस मतलब कोई भी एक ऐसी प्योर चीज जिसे हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग ना कर सकें। जैसे कि आप चीनी को घोल दीजिए पानी में, ठीक है ना। तो अगर आप वाटर को, उस वाटर को बॉयल करेंगे एक ऐसे लिमिट तक बॉयल करेंगे कि सारा वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया, मतलब बॉयल एक उड़ गया, तो सिर्फ चीनी बच जाएगी, तो क्या आपने चीनी को अलग कर लिया क्या? नहीं जी, आपने चीनी को अलग थोड़े नहीं किया, चीनी तो वैसे की वैसे पड़ी है ना। तो चीनी क्या है, चीनी एक सब्सटेंस है, एक प्योर सब्सटेंस है जिसको आप किसी फिजिकल तरीके से अलग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह एलिमेंट्स के एलिमेंट्स भी एकदम प्योर होते हैं। जिंक तो सिर्फ जिंक है, इसमें और कुछ नहीं, कुछ इंप्योरिटी नहीं है इसमें। हीलियम तो सिर्फ हीलियम, ऑक्सीजन तो सिर्फ ऑक्सीजन ही है उसमें। उसी तरह से ये मिक्सचर्स भी होते हैं, मतलब सॉल्यूशन हो गया, कंपाउंड हो गया और गैस हो गया। तो H2O पानी एक मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, H2 और O का, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर है। CO2 क्या है, CO2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। ये गैस है, ये लिक्विड है, देख रहे हैं ना, गैस लिक्विड सॉलिड, सॉलिड क्या, कार्बन सॉलिड आ गया। चिकन, अरे सर लॉकडाउन आ रहा है, किसकी याद दिला दी, चिकन की याद दिला दी यार, मुंह में पानी आ गया, अब क्या बताया, छोड़ो। तो चिकन सॉलिड है, कार सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है और ये लिक्विड है। तो मतलब क्या, केमिकल तीनों स्टेट में फाइंड, तीनों स्टेट में पाए जा रहे हैं। सर आपने अभी कहा कि किसी भी, जो भी चीज मैटर है, जो चीज भी मैटर है वो केमिकल के कैटेगरी में आ सकती है, तो क्या सारी चीजें केमिकल होती हैं? नहीं जी, सारी चीजें केमिकल नहीं होती हैं। कौन कौन सी चीजें केमिकल नहीं होती हैं, जो मैटर नहीं है। तो मैटर क्या नहीं है, से एनर्जी हो गई, कोई भी एनर्जी मैटर नहीं है यार, काइनेटिक एनर्जी मैटर नहीं है। कैसा नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का बस काम मास होता है यार, नहीं होता है। वेव एनर्जी, साउंड एनर्जी, सब मैटर, ये सब मैटर नहीं है, तो केमिकल भी नहीं है। अभी तो अगला टॉपिक क्या है, अगला आगे है, कुछ और एग्जाम्पल से बताते हैं आपको क्या केमिकल होते हैं, क्या केमिकल नहीं होते हैं। फिर थोड़ा सा आपको बताएंगे कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में थोड़ा बताएंगे, आपको ओवरव्यू देंगे कि प्रोडक्ट क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं,
पहले इतना जानते फिर आगे देखेंगे। तो ठीक है यार, केमिकल्स देख लिया हम लोगों ने, अब हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज केमिकल है और कौन सी चीज केमिकल नहीं है। तो जो चीजें हम ब्रेथ कर सकते हैं, मतलब सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, इन डाइजेस्ट कर सकते हैं या टच कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या है? वो सारी चीजें केमिकल्स हैं। और जो चीजें ये चीज इन सब चीजों को फॉलो नहीं करती हैं, वो चीजें केमिकल नहीं है। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है यार, ठीक है ना? तो कौन कौन सी चीज को फॉलो नहीं करते हैं? पहली बात है एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी, साउंड एनर्जी, वेव एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो गई, केमिकल नहीं है वो। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है? मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो वो भी केमिकल नहीं है। और सिंपल से लैंग्वेज में देख लो ना, एक और चीज आप देख लेना, हिग्स बोसोन, ये एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे कि एक पार्टिकल है। तो आप इसको नेट पर सर्च करना कि हिग्स बोसोन क्या होता है, बहुत अच्छी चीज मिलेगी आपको, ठीक है ना? मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ क्या केमिकल है क्या केमिकल नहीं है। जो चीज मैटर है वो केमिकल है, जो चीज मैटर नहीं है वो केमिकल नहीं है। सिंपल सी बात, ठीक है ना? बस कुछ कुछ एग्जाम्पल याद कर लेना, डेफिनेशन याद करना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो ये सब एक्स्ट्रा का नॉलेज है आपका, बेस क्रिएट करने के लिए कि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है ना? अब हम थोड़ा जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है? तो ठीक है यार, हम अब पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में, थोड़ा जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। इससे पहले हम थोड़ा एक कुछ बात बता दें आपको कि अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स मिले, वैसे तो मैं कुछ कुछ चीजें बहुत ब्रीफली बता देता हूँ, लेकिन इन सब चीजों के एकदम डिटेल नोट्स पड़े हैं मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत तो रिकमेंड करूंगा ही कि आप खुद से नोट्स बनाइए, ट्राई करिए कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको पॉज पर क्या पॉज करके आप खुद से लिखिए। इससे क्या होता है ना, इससे मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है उस टॉपिक पे, क्लैरिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स चाहिए हैंड रिटन मेरे लिखे हुए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट खुद रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना? कोई भी डाउट्स हो आप मुझे वहां व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा वहां पे। केमिस्ट्री के आप मैथ्स फिजिक्स बायोलॉजी किसी का भी डाउट मुझसे ही पूछेंगे तो मैं भी क्लियर कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली हर्षित भैया से बायोलॉजी के डाउट, मेरे भैया से फिजिक्स के डाउट, मुझसे केमिस्ट्री के डाउट और मैथ्स के डाउट हम दोनों से पूछेंगे, तो मतलब हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे आपको उस चीज को बताने में, ठीक है ना? तो बस इतना ही बताना था। और क्विजेस के बारे में यार, क्विजेस तो मतलब हम लोग की गॉड लेवल की क्विजेस होंगी, मतलब मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ बहुत ही ज्यादा अच्छी लेवल की क्विज होगी। क्विज के लिए अटेंड करना है, क्विज उन्हें ही अटेंड करना है जो बच्चे एकदम इंस्पायरिंग है कि हम ITJ और नीट यू जैसे एग्जाम्स को क्रैक करें आगे चल के, क्योंकि उनमें जो क्वेश्चंस होंगे ना यार बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आसान नहीं होंगे। NTSC 11th 12th के वो बेसिक क्वेश्चन जो हम आपको करा सकते हैं 9th 10th में, हम वो आपको कराएंगे। तो वही बच्चे अटेंड करें जिन्हें ITJ और NEET UG के लिए प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना? बाकी क्लासेस में हम आपको नॉर्मल क्वेश्चंस कराएंगे ही, जिससे आपकी बोर्ड लेवल की तैयारी हो जाए, उसकी आप एकदम टेंशन मत लीजिए। कंप्लीट NCERT कराएंगे, सारे क्वेश्चन NCERT के हम आपको करा देंगे। NCERT से बाहर बोर्ड में नहीं पूछता है, आई गारंटी टू यू, मैंने एग्जाम दिया है बोर्ड का, तो मुझे पता है कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन करा दूंगा, बस आप मुझ पर फेथ रखिए। हाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ, और मैं आपको अच्छा डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, आई गारंटी टू यू, ठीक है ना? तो ठीक है यार, बहुत ज्यादा लेक्चर बाजी होगी, आप केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं। व्हाट एक्चुअली इज अ केमिकल रिएक्शन? क्या होता है केमिकल रिएक्शन? केमिकल पढ़ लिया हमने, कोई भी ऐसी चीज जो मैटर है वो केमिकल है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? रिएक्शन क्या है? रिएक्शन, व्हाट इज अ रिएक्शन? गांधी जो किसी ने एक गाल पे थप्पड़ मारा तो उन्होंने अपना दूसरा गाल दिखा दिया, ये क्या था? ये गांधी जी का रिएक्शन था। जैसे अब हमें क्या, हमारा अगर हाथ कट गया तो हम उसमें सेवलॉन लगाएंगे, पट्टी लगाएंगे, ये हमारा रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस दी प्रोडक्ट्स, दी प्रोडक्ट्स, ठीक है ना? तो ओवरऑल एक अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब क्या, मतलब क्या कि अगर एक केमिकल रिएक्शन है, ए इज चेंजिंग टू बी, ठीक है, ए इज चेंजिंग टू बी, तो यहां हो क्या रहा है? ए क्या है? ए ए इज आर रिएक्टेंट एंड बी इज व्हाट? बी इज आर प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीज होती है, पहली चीज होती है रिएक्टेंट, दूसरी चीज होती है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना? एक केमिकल रिएक्शन में यही दो चीज होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, और ओवरऑल क्या हो रहा है, ये
फॉरऑल क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है, क्या ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई, लेकिन थोड़ा और डिटेल में बताइए कि इसमें आखिर में हो क्या रहा है। तो ए बी में जब चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो ए के एटम्स है ना, याद, मैंने एटम के बारे में नहीं बताया, चलो इसके बाद बताता हूँ कि एटम क्या होता है, ठीक है ना। तो ये जो ए के एटम्स है, ए के एटम, एक मैटर है, ऑब्वियस सी बात है, मैटर ही है यार। तो मैटर किस चीज है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मैटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें एटम बोलते हैं। जिसका क्लासिफिकेशन किन्होंने किया था, डेमोक्रेटस जी ने किया था। उनसे पहले कौन आए थे, महर्षि कन्वर्ट जी आए थे, जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, बोला था कि ये अणु है, अणु के भी स्टिल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं परमाणु, और उसी परमाणु का नाम डेमोक्रेटस जी ने क्या रखा था, एटम रखा था। तो ए के एटम्स जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहे हैं। कन्वर्ट कैसे हो रहे हैं, मतलब वो सिर्फ अरेंज कर रहे हैं एक दूसरे को। ए का कुछ मैटर्स है, मतलब जो ये मैटर है उसके जो एटम्स हैं वो किसी फिक्स स्ट्रक्चर में होंगे उनके एटम्स। तो जब रिएक्शन हो रहा है तो एटम जो है ना वो सिर्फ अपना अरेंजमेंट बदल रहे हैं, ये नहीं कि एक एलिमेंट बी में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब क्या, मतलब कि अगर ये जिंक है, जिंक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऐसा होता नहीं है, मान लीजिए अगर कन्वर्ट हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि जिंक के एटम्स ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहे हैं, नहीं जी, ये जो जिंक के वो एटम्स है वे दूसरों का अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं, सिर्फ एटम कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, अरेंजमेंट चेंज हो रहा है वहां पे सिर्फ उनका, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, और ओवरऑल जो ये रिएक्शन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा बहुत किसके बारे में बताएंगे, एटम के बारे में थोड़ा बताते हैं। तो यार एक और चीज छूट गई, एटम बताने से पहले रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे सर जी। डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, द सब्सटेंसेस विच टेक, देखो यार अड़बड़ी में दुद्दू बार विच लिख दी है, बताओ क्या बताया जाए, चलो छोड़ो। द सब्सटेंसेस विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, एंड द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। सर बहुत देर आपकी फैंटेसी वर्ड यूज करते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आया, सिंपल लैंग्वेज बताइए। तो चलो यार बहुत ही सिंपल लैंग्वेज समझाते हैं कि आखिर मैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपको बताना क्या चाहता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए यार मान लेते हैं कि आप अपनी क्रश से मिलने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए 10 बजे का टाइम दिए हैं और 10 बजे आप वहां पहुंच गए, मिल रहे हैं। तब तक क्या हुआ कि उसके पप्पा जी आ जाए वहां पे। तो पप्पा जी आए, दोनों आप दोनों को उसके आप दोनों को साथ दे के पप्पा जी ने कहा कि आपको थप्पड़ जमा दिया। आप क्रश और पापा क्या है, आप क्रश और पापा रिएक्टेंट हैं, और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ये कि आपका ब्रेकअप हो गया, समझ में आ रही है मेरी बात। तो ठीक है ना, रिएक्टेंट्स क्या, इन्होंने तीनों ने टेक पार्ट किया ना, पापा ने भी, क्रश ने भी और आपने भी, तीनों ने एक केमिकल रिएक्शन में ओवरऑल किया है, केमिकल रिएक्शन है ओवरऑल, एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन तीनों ने पार्ट लिया, और उसका प्रोडक्ट क्या निकला, प्रोडक्ट निकला कि आपका ब्रेकअप हो गया। फिर से डेफिनेशन पढ़िए अब और चीज समझ में आएगा। द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंसेस जो एक केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं, और वो सब्सटेंसेस न्यू सब्सटेंसेस, न्यू न्यू वर्ड टेक मतलब इस पे हाईलाइट कर लीजिएगा, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो यार आपका मिलना, थप्पड़ खाना और उसका बाय प्रोडक्ट ब्रेकअप, ये सब अलग चीजें हैं, कहीं आपस में मिल तो नहीं रही है ना ये चीजें, या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन दोनों की क्वालिटीज एकदम आपस में अलग होती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल बताते हैं आपको, एग्जांपल के लिए चलिए यहां बता देते हैं एग्जांपल। यार आप जैसे मान लीजिए H2 हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ O2 से आपने क्या बना दिया, H2O बना दिया। यार सर हम पानी बना दिए आज, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का एक बहुत ही फ्लेमेबल गैस होती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस इज अल्ट्रा फ्लेमेबल गैस, क्लीनिजिंग एजेंट में भी काम आता है हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन परऑक्साइड लिक्विड के फॉर्म में आता है, आप उसको जैसे मान लीजिए कहीं कटवट गया तो उस पर यूज कर सकते हैं। O2 क्या है, बर्निंग में मदद करता है, मान लीजिए कहीं आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए क्या करते हैं, उस पर फायर एक्सटिंग्विशर डालते हैं तो बुझ जाता है, लेकिन अगर आग भड़कानी हो तो उस पर ऑक्सीजन डाल देंगे यार, ठीक है ना। तो H2 क्या कर रहा है, H2 क्लीनिंग एजेंट पे काम ले रहा है, ये आग भड़का रहा है, ठीक है ना। लेकिन H2O क्या है, H2O तो पानी है ना, आग बुझाता है,
तो इससे इससे इसकी प्रॉपर्टी तो एकदम डिफरेंट हो गई। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज नहीं मिलती है इन जनरल, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया, रिएक्टेंट समझ में आ गया, प्रोडक्ट समझ में आ गया, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल क्या होता है। अब हम एटम के बारे में जान सकते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज एन एटम, एटम के अंदर के पार्टिकल्स भी अब जान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एटम के बारे में जानते हैं, ठीक है यार। तो अब एटम के बारे में जान लेते थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो ये एक नॉर्मल रफ डायग्राम है एटम का। एटम के सबसे अंदर क्या होता है, एटम के सबसे अंदर होता है न्यूक्लियस। ये क्या है, ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं यार, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स पे ओवरऑल नेट नेट चार्ज जो होता है न्यूट्रॉन्स पे वो जीरो होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन्स पे जो नेट चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। ये सब चीजें आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। मैं इतना मतलब अगर नहीं पढ़ी होंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन 10th में ये सब चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए इतना मैं मानता हूँ। अगर नहीं भी है तो फिर भी देख लो, क्योंकि आप मेरी क्लास में, आपको मेरी क्लास में कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है, सब मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। केमिस्ट्री की फील लेनी है हमको यहाँ पे, केमिस्ट्री बोर्ड नहीं करनी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ऑर्बिट है सर, ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होती है, ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये डायग्राम है, एक रफ डायग्राम है, ये एक थ्री डायग्राम है। थ्री डायग्राम में क्या होता है, ऐसे रिवॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ऐसे रिवॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ऐसे रिवॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। और ये क्या होता है, ये ओवरऑल एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो अब बात ये आती है यार कि कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसमें कितने चाहिए, इसमें कितने चाहिए। तो इसके लिए एक रूल फॉलो होता है, 2n² वाला, जो आपने पढ़ा होगा, 2n² वाला रूल फॉलो होता है, ठीक है ना। ये क्या कहता है, जो सबसे पहले वाला ऑर्बिट होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑर्बिट्स में। ऐसा होता है तो क्या होता है, ऐसा होता है तो स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी भैया, सबको स्टेबिलिटी चाहिए, सबको स्टेबिलिटी चाहिए। सबको चाहता है कि शादी ब्याह करके कहीं नौकरी कोची कमाने के लिए, फिर हम एकदम स्टेबल हो जाएं, बस आराम से, कोई काम धंधा ना रहे मेरे पास। एक और अच्छा एग्जाम्पल देख लो यार, सर तो बायोलॉजी के टीचर है, केमिस्ट्री कहाँ पढ़ाते हैं सर। तो एक और एग्जाम्पल देखो, तो मान लो यार आप किसी से मिलने जा रहे हो, ठीक है ना, और आपने उसको मिलने का टाइम दिया 4 बजे, और वो आके आए 4:30 बजे, फिर आपको ईगो दिखाए, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा यार। आपको लगेगा अरे यार ये क्या ईगो दिखा रहा है, आप फिर कोई दूसरा खोजोगे यार। ऑब्वियस सी बात है, दिस इज नेचर्स रूल, आप दूसरा खोजोगे। आप ऐसा कोई खोजोगे जो आप 4 बजे बुलाओ तो 4 ही बजे आ जाए, और वो भी एक्सपेक्ट करे कि आप भी 4 बजे आओ। समझ में आ रही मेरी बात, वो भी एक्सेप्ट करे, एक्सपेक्ट करे कि आप भी 4 बजे आओ, मतलब क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो वहां पे। उसी तरह एटम क्या होता है यार, एटम के पास मान लीजिए अगर 2, 8, 10, 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। दो ऑर्बिट है, पहले वाले में 2 है और इस वाले में 7 है, जबकि होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो एटम किसी ऐसे को ढूंढेगा, एटम किसी ऐसे को ढूंढेगा जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना, और दोनों आपस में कंबाइन करके स्टेबिलिटी पा जाएंगे। जैसे 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 NaCl यार, क्या NaCl, NaCl कैसे बनता है, Na+ और Cl- के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है ना। तो Cl- क्या होता है, Cl- Cl- पे 1 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, और Na+ पे 1 इलेक्ट्रॉन की, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन इस पे ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो हो सकता है आपको मेरी बात समझ में ना आई हो, या फिर मैं कुछ गलत भी बोल सकता हूँ, हो सकता है कुछ टंग मिस्टेक हो गया हो, तो मैं एक बार अच्छे से बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यार। Na क्या है, सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, 11 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कितना हो जाएगा इसका, सोडियम का, सोडियम का देख लीजिए, तो Na 2, 8, 2, 8, 10 और 1, ठीक है ना। तो अगर Na क्या, Na अगर इस 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, निकाल दे, तो इस पे 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, Na+ का चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इससे लूज किया ना, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, गेन करता तो नेगेटिव चार्ज आता। तो Na+ में क्या, Na+ पे 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। शायद मैंने एक्सेसिव बोल दिया गलती से, हो सकता है टंग स्लिप हो गया हो, लेकिन मैं कहना यही चाह रहा था। और Cl क्या है, Cl, Cl यार 17, 2, 8, 7, मतलब क्या, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसको ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा।
ये जो है, तो इसमें क्या चार्ज हो जाएगा? अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसके ऊपर सीएल माइनस का चार्ज आ जाएगा ना यार, ठीक है ना? तो यही एन ए प्लस और यही सीएल माइनस जब कंबाइन करते हैं तो इनकी जो बैलेंसी होती है ये कंप्लीट हो जाती है और ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं और आपस में बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे स्टेबिलिटी पाते हैं एटम्स। तो अब आप कहेंगे सर ये स्टेबिलिटी के बारे में क्यों बता रहे हैं आप? तो यार हम जब केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे तो हम ये भी तो पढ़ेंगे ना कि केमिकल रिएक्शन आखिर होते क्यों है, व्हाई केमिकल रिएक्शन अकर्स। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि केमिकल रिएक्शन स्टेबिलिटी पाने के लिए अकर करते हैं। और क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो रिएक्टेंट से अलग होते हैं। तो इसका एक और फायदा क्या है, हमें नए नए मैटर मिल रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो हम जितने केमिकल रिएक्शंस कराते हैं उतने हमको ज्यादा अच्छे नए नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इसका एक ये रीजन भी होता है, ठीक है ना? तो अब एक और टॉपिक है आगे, मैं अभी देख लेता हूँ हाउ केमिकल रिएक्शन अगर कि केमिकल रिएक्शन कैसे अकर करते हैं, ठीक है ना? तो चलिए आप देखते हैं हाउ केमिकल रिएक्शन अकर्स। यार मैं आपको एक चीज बताना तो भूल ही गया यार, यहाँ पे ये क्या है, ये Na प्लस है मतलब क्या इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या Cl माइनस मतलब इस पे एक नेगेटिव चार्ज है। तो एक प्लस दूसरे माइनस को अट्रैक्ट करता है, किस फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसी को हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कुछ नहीं होता केमिकल, बस बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो नेबरिंग एटम्स के बीच में या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसी को बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है ना इन दोनों के बीच में, Na प्लस और Cl माइनस के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में से केमिकल बॉन्ड बन रहा है। और इस बॉन्ड का नाम क्या है, इस बॉन्ड का नाम है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड बनते हैं। और एक और टाइप के बॉन्ड होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स किससे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो यार आयनिक बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, क्यों, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो रहा है। ये सब बातें और टाइप्स ऑफ बॉन्ड थोड़ा बहुत जब बताऊंगा मैं आपको तो वहां समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। अब हम अब आपको बता सकते हैं कि हाउ केमिकल रिएक्शन अगर, ठीक है? तो यार हाउ केमिकल रिएक्शन अगर, केमिकल रिएक्शन कैसे अगर करता है? तो यार कोई भी ऐसे दो एटम्स, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था Na प्लस और Cl माइनस का, कोई भी ऐसे दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं, तो वहां पे रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है, ठीक है ना? तो जब हाउ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, ये दो इंस्पायरिंग एटम्स या मॉलिक्यूल जो चाहते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो, क्यों हो, क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी पानी है भाई, सबको स्टेबल होना चाहता है, अपने को क्या, अपने को स्टेबिलिटी मांगता है बस, हम बस स्टेबल हो जाए। यार यार अब हमारे पीछे लाठी लेकर कोई पड़ा रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम भागेंगे ना, हम तो चाहेंगे ना कि वो बंदा हट जाए और हम शांति से बैठ जाए, जो हमको मन करे हम वो करें। तो जो केमिकल रिएक्शन अकर कर रहे हैं वो भी इसीलिए अकर करेंगे कि हम आपस में कंबाइन करके कोई ऐसा सब्सटेंस फॉर्म कर लें जो बहुत स्टेबल हो। यही रीजन होता है जिस रीजन से केमिकल्स या केमिकल रिएक्शन होता है, दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करती है, किस वजह से, क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए। सब कुछ, सब एवरीथिंग इन दिस एंटायर यूनिवर्स नीड्स स्टेबिलिटी, ठीक है ना? तो मुझे लगता है आप यहाँ पे हम वाइंड अप कर सकते हैं अपने लेक्चर को। हम अगले लेक्चर पे आपको केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल जो जो चैप्टर एक्चुअल जहाँ से स्टार्ट होता है, हम अगले लेक्चर से आपको वहां से स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स भी थोड़ा बहुत बता सकते हैं, सारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड बता देंगे, कोवैलेंट, आयनिक, पोलर कोवैलेंट, नॉन पोलर कोवैलेंट, वैन डेर वाल्स फोर्सेस। वैन डेर वाल्स फोर्सेस में क्या आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस और डाइपोल डाइपोल मोमेंट। ये सारे आपको बॉन्ड्स के बारे में बताएंगे, फिर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना? तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। हमारे चैनल का क्या नाम है, हमारे चैनल का नाम है ग्रैब आईआईटी एंड मेक निडिज्म कंटेंट बोलता है, ठीक है ना? तो ये केमिस्ट्री क्लास 10th का पहला लेक्चर था, कल परसों में दूसरा लेक्चर भी आ जाएगा। अगर लेक्चर की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम फ्रीक्वेंसी कवर कर लेंगे, संडे तक आते आते एकदम मैनेज कर लेंगे। कई कई बार क्या होता है यार, टेक्निकल इश्यूज की वजह से लेक्चर अपलोड नहीं हो पाते हैं, कई कई बार जो रिकॉर्डेड लेक्चर डिलीट हो जाते हैं अपने आप पता नहीं कैसे, तो फिर वो लेक्चर दोबारा मेहनत करके रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसलिए ऐसे कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कवर अप कर लेंगे इसको, ठीक है ना? और क्विजेस भी अटेंड कर सकते हैं आप, और मंडे को यार यादगार होगा, मैंने बताया था आपको पहले भी, मंडे को क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लेक्चर है, बहुत ज्यादा मेहनत की गई है उस पर,
आप सबसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि उस लेक्चर को कृपया जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो बनेगा वो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू सो मच। मैं नहीं बोलता हूँ तो आप लोग भी नहीं याद करते हो यार, फ्रेंड्स को शेयर करिए, बेल आइकन को भी दबाइए। अब फाइनल वाला, बाय, गुड नाइट।